हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीक्स आइडिया। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है मॉडर्न हिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस जैसे एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवेज और इसी तरह हमारा जेके, जम्मू एंड कश्मीर का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेकेएसएसबी, उसने भी फॉर एग्जाम्पल जो नए पोस्टेस निकाले गए थे क्लास फोर्थ के, उसमें इंडियन हिस्ट्री भी मेंशन की गई है, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशंट हिस्ट्री भी पढ़नी है, मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़नी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिससे चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में भी, रेलवेज में भी और बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में भी, तो वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम स्टडी कहाँ से करते हैं, पहले इसका एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं। जो 1600 से ऑनवर्ड्स टाइम पीरियड है, 1600 से ऑनवर्ड्स का मतलब है 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी कौन सी होगी? 1600 से लेके 1699, ये होती है 17th सेंचुरी। इसके आगे, 1600 के आगे जो भी टाइम पीरियड है इंडिया में, उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करते हैं। क्यों? थोड़ा सा एक ब्रीफ शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ। 1600 में बन जाती है ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से इंडिया आना चाहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, फिर वो आहिस्ता से यहाँ पे रूल करते हैं, ये सबको पता ही है। लेकिन इससे पहले भी, ब्रिटेन के पहले भी यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज होती है जिनके पास ट्रेडिंग राइट्स होते हैं, जिन्होंने यहाँ पे, जो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे होते हैं और कुछ एरियाज पे रूल भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पुर्चुगीज होते हैं, यहाँ पे डच होते हैं, यहाँ पे फ्रेंच होते हैं, इसी तरह डैनिश होते हैं, ये सारे यहाँ पे ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे होते हैं। तो बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन भी आती है, तो ये बन जाता है फिर इन सब का, इन सब की लड़ाइयाँ होती है किनके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन के साथ। और आहिस्ता आहिस्ता से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल जमाने लगती है, तो यहाँ पे रूल किनका आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर आगे जाके ये डायरेक्टली इंडिया किनके अंडर आ जाता है? ब्रिटेन के अंडर। और यहाँ पे हो जाती है स्टार्ट फिर इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कौन सी है? हमारी जो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है, इंडिया की आजादी की जो मूवमेंट है, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस सब को हमें अच्छे से डिस्कस करना है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि डिस्कस तो वही करना है ओवरऑल, जिससे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा। तो स्टार्ट करते हैं अच्छे से, आज हमारा पहला लेक्चर होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा? सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जब भी हिस्ट्री की बात आती है, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज मतलब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, फॉर एग्जाम्पल उस जमाने में ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ था, तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, यानी कि किसी बात का, जो हम बोलते हैं कि 1900 में ऐसे हुआ था, 1800 में ऐसे हुआ था, इस बात का ओरिजिन कैसे आया, हमारे पास ये बात कैसे पहुंची, उसी को सोर्स बोला जाता है। तो जो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, उसका सोर्स क्या है हमारे पास? हमारे पास आर्काइव्स है, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स है, ओरल एविडेंस है, मुंह सुनाई बात, क्रिएटिव लिटरेचर, बहुत सारी बुक्स, पेंटिंग, ये सारे हमारे पास सोर्सेस हैं जिनसे हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं होगा, हम क्यों डिस्कस करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं आर्काइव्स की। आर्काइव्स का मतलब होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आप सब लोगों को पता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने यहाँ पे रूल किया, वो यहाँ पे सर्वेज कर रहे थे और ट्रेड कर रहे थे, इन सब का रिकॉर्ड तो होता है, हर किसी कंपनी का अपना रिकॉर्ड होता है, हर किसी गवर्नमेंट का अपना रिकॉर्ड होता है, तो उन्हीं रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को क्या बोला जाता है? आर्काइव्स। आर्काइव्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स होते हैं, इसी तरह प्राइवेट आर्काइव्स होते हैं, और इसी तरह यहाँ पे आप सब लोगों को पता है बंगाल, मैड्रास और बम्बई, ये तीन मेन प्रेजिडेंसीज थी कहाँ पे? इंडिया में। इनकी अलग अलग अपने रिकॉर्ड्स है, इनसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इसी तरह
यूरोपियन कंट्रीज के अपने रिकॉर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी तो इंडिया लंदन में वो अपना रिकॉर्ड रखते थे, इसी तरह पुर्तगीज डच यहाँ पे आते थे तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स रखे हैं कि हमने इंडिया में क्या किया, कैसे क्या किया। इसी तरह होते हैं जुडिशल रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल कोई सुनवाई होती थी उस जमाने में भी आज भी होते हैं तो वहाँ कोर्ट जो होते थे, फॉर एग्जाम्पल बंगाल मद्रास बम्बई में जो कोर्ट हुआ करते थे वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स कभी सुनवाई की जाती थी वो रिकॉर्ड्स होते हैं, उनसे पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। इसी तरह पब्लिश आर्काइव्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे गवर्नमेंट्स फॉर एग्जाम्पल आजकल भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जब आप देखोगे कोई उनकी वेबसाइट देखो वहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं तो उनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ये सब मैं ऐसे ओवरऑल व्यू आपको बताता हूँ क्या होता है आर्काइव्स। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी याद जरूरी नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए अच्छे से समझने के लिए ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो मेन पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो क्या है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव है जो कि बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है, न्यू दिल्ली। ये ऐसे भी आम इंसान को पता होना चाहिए, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेट है, न्यू दिल्ली में। इसी तरह जो हमने अभी पढ़ा यूरोपियंस के अपने रिकॉर्ड्स होते थे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने रिकॉर्ड्स, इसी तरह मिशनरीज यहाँ पे आते थे उनके अपने रिकॉर्ड्स, वो कहाँ पे है, ब्रिटेन में, वो एक जगह है उसको नाम दिया गया इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स जो कि लंदन में है। इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स कहाँ पे है, यहाँ पे भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी मिशनरीज के उस टाइम के जो गवर्नमेंट थी उनके पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पे, इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स। मेन चीज याद रखना है इसकी लोकेशन लंदन। इसी तरह जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे रूल स्टार्ट करना चाहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से एक एक टेरिटरी को अपने अंडर करने लगे, फिर वो सर्वेज भी करने लगे मॉडर्न साइंटिफिकली, वो बहुत सारे रीजन्स को अपने अंडर, जियोग्राफिकल रीजन्स को जो पहले इंडिया में नहीं थे उनको अपने अंडर करके उनको सर्वेज करने लगे। तो इससे रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो है फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल, किसको अपॉइंट किया गया था, वो था जेम्स रेनल। जेम्स रेनल बन जाता है फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल इन 1767। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन। इसी तरह जो मैंने अभी बोला कि ये हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम एक एक करके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि तीन प्रेसिडेंसीज थी इंडिया में मेनली, बंगाल बम्बई एंड मद्रास। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में एक फोर्ट बनाया गया था फोर्ट विलियम्स, इसी तरह मद्रास में बनाया गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये आप इसी टाइम याद कर लीजिए, फोर्ट विलियम्स कहाँ पे बनाया गया था, बंगाल में, और फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे बनाया गया था, मद्रास में। ये किसने बनाया था, कैसे आगे, ये हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे जब आगे के लेक्चर्स हम पढ़ेंगे। तो इनके अपने रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, ये भी आर्काइव्स में आता है। इसी तरह हमारे पास है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, वहाँ पे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन आप याद रख लीजिए, न्यू दिल्ली में ये भी है। तो ये था आर्काइव से, यहाँ पे आपको एक मेन पॉइंट याद रखना है, फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल वो कौन है, जेम्स रेनर। यह है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं बायोग्राफीज मेमोयर्स एंड ट्रैवल अकाउंट्स। आप सब लोगों को पता है बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे कंट्रीज को ट्रैवल करते थे, फिर वहाँ के रूलर्स वहाँ के लोगों को पढ़ के उनको स्टडी करके बुक्स लिखते थे, अपने ट्रैवल के बारे में लिखते थे, तो वो भी हिस्ट्री के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल एबे डुबॉयस है, उसने हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स लिखी है। जेम्स बर्नीज, उसने लिखा है एक कोर्ट ऑफ शिंडे में गया था, उसका नैरेटिव लिखा है नैरेटिव ऑफ ए विजिट टू द कोर्ट ऑफ शिंडे। अलेक्जेंडर बर्नीज ने लिखा है ट्रैवल्स इनटू बुखारा। सी जे सी डेविडसन, ये भी एक ट्रैवलर थे, इसने ट्रैवल अकाउंट लिखा है डायरी ऑफ ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया। ये थे सारे के सारे जो अभी तक ये थे ब्रिटेन के रहने वाले, ये जो लास्ट के तीन है ये थे नॉन ब्रिटिश, नॉन ब्रिटिश, जॉन बटलर, बैरन चार्लीज, विक्टर जैकमोट। जॉन बटलर ने क्या लिखा है, क्या ट्रैवल ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स इन द प्रोविंस ऑफ आसाम। बैरन चार्लीज ने लिखा है ट्रैवल्स इन कश्मीर एंड पंजाब। विक्टर जैकमोट ने लेटर्स फ्रॉम इंडिया डिस्क्राइबिंग ए जर्नी इन द ब्रिटिश डोमिनियन ऑफ इंडिया, तिब्बत, लाहौर एंड कश्मीर ड्यूरिंग द ईयर्स 1828-1831। ये है इनके ट्रैवल अकाउंट्स के नाम,
ये सारे के सारे क्या थे, ट्रैवलर्स जो कि दूसरे कंट्रीज में जाके ट्रैवल करते थे। एक दो यहाँ पे आप याद रख सकते हो, एबे डूबियस याद रखो, विक्टर जैक मोटे याद रखो, इसी तरह बैरन चार्लीज याद रख सकते हो, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। अब इस पोर्शन का जो कि सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है, इसका वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। इंडिया में पहला न्यूज़पेपर कौन सा पब्लिश किया गया है, वो है द बंगाल गेजेट 1781 में बाय जेम्स अगस्टस हिकी, या इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज करते हुए इसको 2 साल के अंदर ही सीज किया गया और बंगाल गेजेट हो जाता है बंद। इसके बाद कुछ अर्ली न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं जिनमें कलकत्ता गेजेट है 1784 में आता है, मैड्रास कुरियर आता है 1788 में, इसी तरह बॉम्बे हेराल्ड आता है 1789 में, जो कि बॉम्बे का पहला न्यूज़पेपर बन जाता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि मेनली न्यूज़पेपर्स बने हैं इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में, बहुत सारे जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स बनाए गए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स या बहुत सारे लीडर्स के द्वारा। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम याद रखना हो और उससे रिलेटेड कौन से पर्सन एसोसिएट था, यानी कि या तो उसका फाउंडर होगा या उसका एडिटर होगा, वो हमें याद रखना है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से न्यूज़पेपर जो कि बहुत सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 22 मेन न्यूज़पेपर्स में यहाँ पे लाया हूँ जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू एंड स्वदेश मित्रम, इससे रिलेटेड पर्सनैलिटी कौन थी, जी सुब्रमण्य अय्यर। जो भी यहाँ पे नाम आप सुनोगे, आप कोई नया नाम नहीं सुनोगे, जो कि 10th तक हिस्ट्री हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं हमने ये नाम सुना ही होगा। बहुत सारे लीडर जो थे इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड, उन्हीं के नाम है और उन्होंने ही ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे या इनके एडिटर थे। तो द हिंदू या स्वदेश मित्रम इससे रिलेटेड कौन था, जी सुब्रमण्य अय्यर। इसी तरह केसरी एंड महारट्टा, इससे रिलेटेड कौन था, बाल गंगाधर तिलक। किसने बाल गंगाधर तिलक का नाम नहीं सुना होगा। तो इस तरह से याद रखना आसान हो जाता है, 2 या 3 बार इनको देखना है। बंगाली ये किसने स्टार्ट किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ये भी नाम किसने नहीं सुना होगा। इसी तरह अमृता बाजार पत्रिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे एक एक, जैसे हम इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे देख अच्छे से डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी हम ये मेंशन करेंगे। ये इससे रिलेटेड कौन कौन था, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। सुदाक, सुदाक से रिलेटेड कौन था, जी के गोखले। इंडियन मिरर एन एन सेन, हिंदुस्तान एंड एडवोकेट, इनसे कौन रिलेट था, जी पी वर्मा। जब आप एक दो बार इनको पढ़ोगे देखोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ऐसे नाम हैं जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। जब हम आगे भी डिस्कस करेंगे एक एक करके, बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं जैसे शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष को अरेस्ट किया जाता है, आगे देखेंगे क्यों किया जाता है, इस तरह फिर भी आपको वहाँ पे भी रिवाइज हो जाएगा। कुछ और न्यूज़पेपर्स है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स है वो यहाँ पे पढ़ने ही पढ़ने हैं। वॉइस ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर था, और इसी तरह एक और न्यूज़पेपर था रस्त गुप्ता, ये किस से एसोसिएट है, दादा भाई नारोजी से, वेरी इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटी, किसने नाम नहीं सुना होगा। तो इससे रिलेट क्या याद रखना है, वॉइस ऑफ इंडिया और रस्त गुप्ता। इसी तरह संबद कॉमेडी एंड मिरतुल अखबार, राजा राम मोहन रॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद इंडियन हिस्ट्री, 18th सेंचुरी से रिलेटेड, संबद कॉमेडी और मिरतुल अखबार किसके न्यूज़पेपर थे, राजा राम मोहन रॉय के। बंगादत्ता, बंगादत्ता भी राजा राम मोहन रॉय इससे रिलेटेड था, और द्वाकरनाथ टैगोर इससे रिलेटेड था। इसी तरह इंडिया गेजेट एंड ईस्ट इंडिया, हेनरी विवेन डेरोजियो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री। इसी तरह बंगा दर्शना, बंकिम चंद्र चटर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसने इंडिया को क्या दिया है, इसका हमने कोई चीज़ अडॉप्ट की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो बंगा दर्शना किसका था, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी तरह
बहिष्कृत भारत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं जब ज़्यादा थोड़ा फोकस दिया करूँगा तो उसको याद रखने की कोशिश कीजिए उसी टाइम। बहिष्कृत भारत, यहाँ पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होती थी, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बी आर अम्बेडकर ने डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, माइनॉरिटी से रिलेटेड बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, तो इसीलिए बहिष्कृत भारत किसने लिखा है, बी आर अम्बेडकर ने। इसका नाम किसने सुना नहीं होगा। इसी तरह लीडर एक न्यूज़पेपर था, मदन मोहन मालवीय ने स्टार्ट किया था। इसी तरह बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल। बम्बई क्रॉनिकल, फैरोज शाह मेहता, किसने नाम नहीं सुना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या क्या स्टार्ट किया था, इंडियन ओपिनियन इसका वीकली था, यंग इंडिया और हरिजन, इसके तीन वीकली थे, ये मोहनदास करमचंद गांधी से रिलेटेड है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया एंड हरिजन। तो ये थे कुछ न्यूज़पेपर्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप रिवाइज ज़रूर कीजिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। अब और कुछ न्यूज़पेपर्स है, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो है ये उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं छपते थे, ये आउटसाइड इंडिया छपते थे, इसलिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये लंदन में छपता था, इससे रिलेटेड कौन पर्सनालिटी है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, यूपीएससी ने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। वंदे मातरम, ये कहाँ पे छपता था, पेरिस में, इससे रिलेटेड पर्सनालिटी मैडम बिकाजी कामा। इसी तरह तलवार, तलवार कहाँ पे छपता था, बर्लिन में, बर्लिन में इससे रिलेटेड कौन पर्सनालिटी थी, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इसी तरह फ्री हिंदुस्तान, वैनकूवर कनाडा में, तारकनाथ दास इससे रिलेटेड था। इसी तरह गदर पार्टी, सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, गदर पार्टी से रिले कौन कौन पर्सन एसोसिएट था, तो आप इसको याद ऐसे रखिए। सोशोलॉजिस्ट यहाँ पे है, इंडियन सोसाइटी की बात होती है, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है, इंडियन सोसाइटी का क्यों ख़राब हो गई, यहाँ पे सब कुछ हम सेल्फ सफिशिएंट थे ब्रिटिश से पहले, तो उन्होंने हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से ले लिया, फिर हमें ये चीज़ें बेचते थे, तो इस तरह से हमारी सोसाइटी ख़राब हो गई। क्यों, वो किसने की, वो ब्रिटेन ने की, तो ब्रिटेन में क्या है, लंदन, तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है, लंदन से रिलेटेड। बंदे मातरम, यहाँ पे हमने नाम सुना मैडम बिकाजी कामा, तो हमारी प्यारी मैडम बिकाजी कामा, प्यारी जब आती है तो पेरिस की बात आ ही जाती है, आईफल टावर की बात आ ही जाती है, तो इस तरह से हम याद रखेंगे, प्यारी मैडम बिकाजी कामा कहाँ पे, आईफल टावर, आईफल टावर कहाँ पे है, पेरिस में। तो इसी तरह तलवार, तलवार कहाँ पे चलता था, बर्लिन में, बर्लिन में कौन पर्सनालिटी थी, एडॉल्फ हिटलर, एडॉल्फ हिटलर ने ज्यूज पे तलवार चलाई थी और उनको कत्लेआम कर दिया था उनका, तो तलवार से याद रखेंगे एडॉल्फ हिटलर, बर्लिन। फ्री हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को फ्री करो, इस टाइम भी बहुत सारे लोग आराम से हिंदुस्तान एक जगह जाते हैं, ज़्यादातर सिख कम्युनिटी, वो कहाँ, कनाडा, वैनकूवर कनाडा, याद रख सकते हो, फ्री हिंदुस्तान कहाँ पे था, वैनकूवर में। इसी तरह सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे, अमेरिका में, अमेरिकन रेवोल्यूशन याद रखो, अमेरिकन रेवोल्यूशन मतलब एक गदर स्टार्ट हुई थी अमेरिका में, तो गदर से रिलेटेड क्या याद रखोगे, अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को। तो इस तरह से कुछ टर्म्स आप याद रख सकते हो, कोई इवेंट आप किसी चीज़ से रिलेट कर सकते हो, तो इस तरह से याद रहेगा। अब लिटरेचर की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बंकिम चंद्रा चटर्जी की, 1838-94 इसका टाइम पीरियड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आनंद मठ इसने लिखी है नावल, और इसकी लास्ट नावल थी राजा सिम्हा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आनंद मठ, ये याद आपको रखना है, आनंद मठ वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग हमने लिया है ये कहाँ से लिया है, आनंद मठ से ही लिया है, इसकी लिरिक्स कहाँ पे है, आनंद मठ में वंदे मातरम की लिरिक्स है। इसी तरह इंडिया टुडे, बहुत सारी बुक्स जो 18th 19th सेंचुरी में लिखी गई है, ब्रिटिश का जो यहाँ पे रूल चल रहा था उसका पर्सपेक्टिव क्या था, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, इंडिया टुडे लिखी गई है राजनी पालमे दत्त के द्वारा। इसी तरह सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि जो इंडियन नेशनलिज्म है उसका सोशल बैकग्राउंड लिखी गई है बाय ए आर देसाई। और कुछ बुक्स है जैसे हिंद एने ब्रिटैनिका,
ये किसने लिखे? ईशाराम सूर्याराम देसाई, ये गुजराती था जिसने ये नावल लिखी है जिसमें पॉलिटिकल सिनेरियो उसने दिखाया है अपने ज़माने का। इसी तरह मोहर्रा राजनी गिरिजा देवी ने लिखा है। इसी तरह दसिकलिन मूसा वलाय, ये लिखा है रामातीर्था थम्मल ने, ये थे तमिल राइटर्स। इसी तरह किलुबो मल्लू, ये लिखे है जीवी कृष्णा राव ने, ये था तेलुगु। इसी तरह बलियाकाला सखी, ये लिखे है वैकोम मोहम्मद बशीर ने, ये था केरला का मलयालम, मलयालम में ये लिखी गई है। ये थे कुछ लिटरेचर। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, इंडिया टुडे और सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये आप याद रख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है पेंटिंग। बहुत सारी पेंटिंग से भी डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि किस ज़माने में क्या हुआ करता था। जैसे बहुत सारे बादशाहों की पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उनका वार के बारे में पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उससे भी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इतना हमें याद नहीं रखना है, हमें वो पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। कंपनी पेंटिंग, कंपनी पेंटिंग किसके पैटर्नेज के अंडर बनाई जाती थी? ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पैटर्नेज के अंडर कंपनी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो इसको इनका ना इनका दूसरा नाम भी है पटना कलाम। यहाँ पे पटना कलाम है, कहीं पूछा जा सकता है तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा, ये पटना कलाम है क्या? कंपनी पेंटिंग्स का ही दूसरा नाम क्या है? पटना कलाम। ये तब तक बहुत ज़्यादा फेमस थी जब तक इंडिया में फोटोग्राफी नहीं थी। इंडिया में फोटोग्राफी कब इंट्रोड्यूस की गई? 1840s में, 1840s में इंडिया में आ जाती है फोटोग्राफी। तब तक बहुत ज़्यादा फेमस होती थी कंपनी पेंटिंग्स, यानी कि कंपनी अपना यहाँ के लोगों का हाल चाल दिखाता था। ज़्यादातर वो यही दिखाते थे कि यहाँ पे लोग अच्छे नहीं है, ये अपने आप को रोल नहीं कर सकते, बाजार वगैरह दिखाते थे, यहाँ के मार्केट्स दिखाते थे, यानी कि और यहाँ के अपने पुलिसमैन की दास्तान दिखाते थे, उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। कंपनी ज़्यादातर अपना ही फेवर दिखाते थे। जैसे एक पेंटिंग है रिलीफ ऑफ लखनऊ, पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बेकर इन 1859। इसी तरह इन मेमोरियम, ये किसने पेंट किया है? जोसेफ नोएल पेटन ने। इन्होंने क्या दिखाया है? जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है उसकी थोड़ी सी दास्तान इन दो पेंटिंग्स में है, रिलीफ ऑफ लखनऊ एंड मेमोरियम। ये आप याद रख सकते हो किसने पेंट किया। रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने किया? थॉमस जोन्स बेकर ने। मेमोरियम किसने किया? जोसेफ नोएल पेटन। ये किससे रिलेटेड है? रिवोल्ट ऑफ 1857। इसी तरह कालीघाट पेंटिंग्स आ जाती है कहाँ पे? कलकत्ता में 19th सेंचुरी में। फिर हो जाता है स्टार्ट बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि इससे रिलेटेड पर्सनालिटी कौन है? लेड बाई अबानिंद्रनाथ टैगोर, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर का नेफ्यू था, रविंद्रनाथ टैगोर का नेफ्यू अबानिंद्रनाथ टैगोर, इसने स्टार्ट किया है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसी स्कूल ऑफ पेंटिंग से दो फेमस पर्सनालिटीज़ है, नंदलाल बोस पेंटर था, राजा रवि वर्मा जिसको रफेल ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, वो इसी स्कूल से रिलेटेड है, जिन्होंने अपने जमाने में 18th 19th सेंचुरी में बहुत सारी पेंटिंग्स दी है और जिसमें पॉलिटिकल सिनेरियो भी दिया गया है। राजा रवि वर्मा की कुछ फेमस पेंटिंग्स है जैसे लेडीज इन द मूनलाइट, मदर इंडिया, रावणा किडनैपिंग सीता, इस तरह की कुछ पेंटिंग्स राजा रवि वर्मा ने बनाई है। तो ये था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। कैसे पहले यहाँ पे कौन यूरोपियन आए थे, कैसे उन्होंने ट्रेड किया यहाँ पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ब्रिटिश ने कैसे अपना पावर यहाँ पे जमा लिया और रूल करने लगे इंडिया को, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।